बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमारा वीडियो है ये सेकंड वीडियो है, और आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि जो रियल नंबर है वो क्या है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स का भी आपको डिस्कस आज मैं कराऊंगी कि क्या है, पहचान क्या है और किस तरह से इससे ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं। इसके बाद डेसिमल्स ये एक ऐसे नंबर है जो इरेशनल में भी आते हैं और रैशनल में भी आते हैं, और इसके जो टाइप्स मैंने आपको कहा था कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे वो कैसे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। रबी शरह ली सदरी वैसे ली हमली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हु क़ौली। ओके, तो सबसे पहले है रियल नंबर्स। लास्ट वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो है और प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूं, तो वहां से अगर आपने मिस किया है तो आप वो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि रियल नंबर्स को किस अल्फाबेट से, इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। तो आपने अब यहां पर आपके लिए एक सवाल है, एक शॉर्ट सवाल, दैट आर डिनोट रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स रिपीटिंग डेसिमल्स और नन ऑफ। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। तो अगर आपको, अब देखिए ये भी आर से शुरू हो रहा है, ये भी आर से शुरू हो रहा है और ये भी आर से शुरू हो रहा है, और नीचे है नन ऑफ अबव। तो आपको अगर पता ही नहीं है कि आर किस चीज को डिनोट करता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन पिछले वीडियो को अगर आपने देखा है तो आपको पता है कि रियल नंबर जो है वो आर, कैपिटल आर रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये तो हो गया आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल किस तरह से सवाल बनते हैं, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें ऑब्जेक्टिव्स बताए, ऑब्जेक्टिव्स बताए। देखिए अगर आपको एक कॉन्सेप्ट आ गया, आपका सबसे कम भी अगर ऑब्जेक्टिव कवर होगा तो एक ऑब्जेक्टिव आपका कवर हो चुका है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव कवर हो जाते हैं। अब रियल नंबर्स क्या है, किस चीज को रियल नंबर कहते हैं, किन नंबर्स को रियल नंबर कहते हैं? तो रियल नंबर जो है वो यूनियन ऑफ क्या है, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। क्या कहलाता है, रियल नंबर्स। और इसके अलावा अगर आपके पास कहीं पे ये आ जाता है दैट क्यू यूनियन क्यू डॉट इज इक्वल टू व्हाट, फिर आप क्या करेंगे? अब ये जो है ये भी आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि ये क्या है, ये किस तरह से है। लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि Q कौन से नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है और Q डॉट कौन से नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव्स कितने सारे बन रहे हैं, सिर्फ रियल नंबर से आपके बन रहे। तो ये इरेशनल नंबर्स का है और ये रैशनल नंबर्स का है, और ये इसका मतलब क्या है, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो किसके इक्वल है, ये इक्वल है रियल नंबर्स के। तो आपने अगर नीचे आपके पास आर का ऑप्शन हो, क्यू का ऑप्शन हो, पी का ऑप्शन हो, तो फॉर एग्जाम्पल आप कंफ्यूज ना हो, आपको पता है कि जो कैपिटल आर है वो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है और रियल नंबर्स क्या है, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स है। अब आपको ये तो पता है कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं, कौन से अल्फाबेट्स इनको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये आपको पता नहीं है। कोई बात नहीं, वो भी आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो रैशनल नंबर्स पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि इनको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनमें क्या आता है क्या नहीं आता, तो आपको ये भी मैंने बताया था कि रैशनल नंबर्स में क्या आते हैं, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। ठीक है, नॉन इंटीजर्स का कोई अल्फाबेटिकल सिंबल नहीं है, यानी कोई भी जो अल्फाबेट है वो नॉन इंटीजर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता, और इंटीजर्स को जेड रिप्रेजेंट करता है।
तो इसको ऐसे लिखना बेहतर रहेगा, ठीक है। तो इसके अलावा इसकी कोई डेफिनेशन है? यस, इसकी एक डेफिनेशन है और वो ये है कि ठीक है, रैशनल नंबर्स, अगर आपके सामने ये लिखा हो, ये डेफिनेशन लिखा गया हो कि द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसके नीचे आपके पास जो ऑप्शंस है उसमें हो रियल नंबर्स, ठीक है। मैं सैम्पल्स यूज कर रही हूं ताकि वीडियो शॉर्ट हो जाए। अच्छा, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और नन ऑफ अबव, तो फिर आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे? आपने रेशनल नंबर सिलेक्ट करना है। लेकिन इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके वो ये भी कर सकते हैं कि इज इक्वल टू जीरो वेयर क्यू इज इक्वल टू जीरो, तब नन ऑफ अबव से ही जवाब होगा। तो आपने सवाल को गौर से पढ़ना है कि सवाल आपसे पूछ क्या है। तो कहते हैं इस तरह के नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सके और जिसमें जो क्यू है वो जीरो के इक्वल ना हो, उस तरह के नंबर्स को रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब इसके मैं एग्जाम्पल्स आपको देती हूँ, ठीक है। ये देखे p अपॉन q, अब जो q क्या है, अच्छा अब यहां पे देखिए 3 अपॉन q, अब जो p है वो 3 के इक्वल है और q है 2 के इक्वल, तो ये 2 जो है 0 से ग्रेटर नंबर है, तो 0 के इक्वल ना हो ये जरूरी है। इसके अलावा इसमें आपके लिए एक और इस तरह से एक नंबर देंगे और कहेंगे कि कौन सा नंबर है, तो रैशनल नंबर है, आपने ऑप्शंस में रैशनल नंबर को सिलेक्ट करना है और अगर रैशनल नंबर आपके ऑप्शंस में नहीं था तो नन ऑफ अबव आपने करना है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा और कौन से हो सकते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर्स है? डेसिमल्स में भी रैशनल नंबर्स होते हैं, इसीलिए मैंने यहां पर डेसिमल्स को आज डिस्कस करना है, तो डेसिमल्स के एग्जाम्पल्स आपको देती हूँ। अब ये जो है ये रैशनल नंबर है, इसको इसका एक और भी तरीका होगा, ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है तब भी ये सेम बात है, या फिर इस तरह से भी लिखा जा सकता है 6 के ऊपर एक डॉट बना के, तब भी ये सेम बात है। अगर किसी भी नंबर पे डेसिमल के बाद किसी भी नंबर के ऊपर बार हो, इस तरह का लकीर हो, तो इसका मतलब है जो वो नंबर है वो रिपीट हो रहा है। अब देखो 666 एंड डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब क्या है? रिपीट हो रहा है और आगे भी सेम नंबर है। और अगर डेसिमल के बाद एक नंबर हो और उसके ऊपर डॉट हो, इस तरह का एक निशान हो, एक टिक हो, तो इसका भी मतलब यही है कि 6 जो है रिपीट हो रहा है। तो ये इस चीज को ऑप्शन में आपके सामने ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। तो जो आपके पास रैशनल नंबर है इस तरह का एग्जाम्पल हो, ठीक है, तब भी वो रैशनल नंबर है। इसके अलावा इस तरह का डेसिमल एग्जाम्पल हो जो रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है और कंटिन्यूस है, 3 डॉट्स का मतलब है कंटिन्यू है, खत्म नहीं होगा, तो वो भी रैशनल नंबर है। और ये जो है खत्म होने वाला है, देखो 5 के आगे कोई नंबर नहीं है, डॉट के बाद 5 के आगे कोई नंबर नहीं है, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और इसको कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल, तो भी वो क्या है? रैशनल नंबर है। तो ये आ सकते हैं रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स में, इस तरह का अगर कोई नंबर हो और नीचे रैशनल नंबर का ऑप्शन हो तो आपने रैशनल नंबर को सिलेक्ट करना है। और अगर डेसिमल्स लिखे हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखा हो, तो फिर आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल को सिलेक्ट करना है, रैशनल को नहीं करना। और अगर इस तरह का कोई आपके पास
एग्जाम्पल हो, सवाल हो और नीचे आपके पास रिपीटिंग डेसिमल लिखा हो और रेशनल नंबर लिखा हो, तो आपने तब क्या करना है, रिपीटिंग डेसिमल को लेना है, क्योंकि ये रेशनल नंबर है लेकिन रिपीटिंग डेसिमल है, ये रेशनल नंबर है लेकिन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये चीज आपने याद रखना है। अगर डेसिमल वाला कोई भी ऑप्शन ना हो और सिर्फ रेशनल वाला ऑप्शन हो, तब आपने रेशनल नंबर सिलेक्ट करना है। तो अब देखिए, ये एक ही रेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट से कितने आपके ऑब्जेक्टिव्स कवर हो गए। ये तो हो गया हमारा रेशनल नंबर। अब हम सीखेंगे इरेशनल नंबर। ओके, तो अब है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स का जो साइन है या जिस अल्फाबेट से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैपिटल क्यू के ऊपर एक डॉट, ठीक है, ये बहुत करीब है। इरेशनल के ऊपर डॉट है, रेशनल के ऊपर डॉट नहीं है। और इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स है जो रेशनल नहीं है। अब रेशनल तो मैंने आपको समझा दिया, इरेशनल नंबर्स द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर्स कहलाएंगे, जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर्स है। एग्जाम्पल जिनके देखते हैं, अब देखें, ये अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, ये क्या है, ये इरेशनल नंबर्स है। इसके अलावा जो पाई का, इस सेमर को क्या कहते हैं, पाई, ठीक है, ये भी इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू जो है 3.1428 एंड सो ऑन। ये थ्री डॉट्स का मतलब है ये रिपीटिंग, सॉरी कंटिन्यूस है, नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा है, ये चलने वाला है। तो क्या है ये, अब देखिए ये क्या है, डेसिमल है, इसकी वैल्यू डेसिमल्स में है। तो ये इस तरह से जो डेसिमल्स है वो रेशनल भी है और इरेशनल भी है। किस तरह से रेशनल है और किस तरह से इरेशनल है ये आज ही मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस वक्त आपने ये समझना है कि जो पाई है वो इरेशनल है और जो इस तरह के नंबर्स है वो इरेशनल नंबर है। लेकिन यहां पे एक कंफ्यूजन है, क्या ये इरेशनल नंबर है, क्या ये इरेशनल नंबर है? नो, ये इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? अभी तो मैं कह रही थी कि जो अंडर रूट टू है, अंडर रूट थ्री है, अंडर रूट फाइव है, ये तो इरेशनल नंबर है, तो इसमें भी अंडर रूट है, फिर ये जो सिंबल है इसको अंडर रूट कहते हैं, फिर ये क्यों इरेशनल नंबर नहीं है? ये इसलिए इरेशनल नंबर नहीं है क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 60। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर, 4 के ऊपर अगर छोटा सा 2 लिखा है, इसको स्क्वायर पढ़ते, ठीक है, और इस 2 पावर 2 का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, और अगर हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16। तो हम इसका मतलब है 4 स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 60। जब ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर लिख सकते, ठीक है। अब भी आप कहेंगे कि ये देखो जो इसका अंडर रूट है वो बाकी है, फिर क्यों हम इसको नंबर कंसीडर नहीं कर सकते इरेशनल नंबर? हम इसलिए इरेशनल नंबर नहीं कर सकते क्योंकि ये जो इस अंडर रूट है, इसकी वैल्यू, जैसे मैंने पाई की वैल्यू आपको बताई, इसकी वैल्यू है 1/2, ठीक है। अब 1/2 है और ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो रहा है, ठीक है, या फिर 2 और 1/2 है, तो ये 2 इस 2 को कट कर रहा है, यहां पे क्या बचा, 1, 4 की पावर क्या, ये 2, फिर इस 2 को जो अंडर रूट है इसको कट कर सकता है, क्योंकि उसके पावर को कट कर रहा है, जब उसकी वैल्यू को कट कर रहा है तो इसका मतलब उसे भी कट कर सकता है। तो हमारे पास 4 पावर 1 बचा, पावर 1 को हम लिखते ही नहीं है, 4 आ गया, तो क्या हो गया, जो इसका अंडर रूट है वो खत्म हो गया। तो इस चीज को भी आपने देखना है, आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कि जिसमें अंडर रूट तो देंगे लेकिन अंदर एक ऐसा नंबर लिखेंगे जो किसी का मल्टीपल है, किसी भी नंबर का मल्टीपल है, ठीक है। तो फिर जब वो मल्टीपल है, यानी दो सिमिलर नंबर्स को, यहां भी याद रखिए, इस तरह से नहीं हो कि 5 मल्टीप्लाई बाय 3, नहीं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25, तो 25, अगर 25 के ऊपर आपके ये अंडर रूट है तो फिर ये हमारे पास रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये कट हो जाएगा, अगर हम 5 स्क्वायर लिखेंगे और अंडर रूट लिखेंगे तो ये कट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, 5,
अब आप कहेंगे कि 5 है और 5 जो है वो रेशनल कैसे हो गया, रेशनल नंबर में तो हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, यस, लेकिन क्या कहा था हमने, क्यू जो है वो जीरो के इक्वल ना हो। हर नंबर जब वो सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है, 5 जब सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है तो इसका मतलब 5/1 है, तो 5/1 क्यू किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तो इस तरह से आपने अपने कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं और इसी तरह से ही आप सही ऑब्जेक्टिव को मैथ में सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप वैसे अगर किसी भी ऑब्जेक्टिव को रट्टा लगा के याद कर ले तो उसमें एक ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा, लेकिन अगर इस तरह के ऑप्शंस आपके पेपर में आ जाए फिर आप क्या करेंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा तो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर में कभी भी सही हल नहीं हो सकता। ओके, तो अब हमने समझ लिया कि रियल नंबर क्या है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या है। अब डेसिमल, डेसिमल दोनों में है, तो पहले हम डेसिमल को समझते हैं, ये कैसा नंबर है जो रेशनल भी है और इरेशनल भी है। तो ये किस तरह से रेशनल है और किस तरह से इरेशनल नंबर है ये आपने समझना है, क्योंकि यही चीजें है जहां पे आपका ऑब्जेक्टिव सही और गलत के बिल्कुल आखिरी कगार पे होगा। अगर आपने सही किया तो कॉन्सेप्ट के बेस पे कर सकते हैं, अगर गलत किया तभी कॉन्सेप्ट के बेस पे आप कर सकते हैं। अब आपको यहां पर मैं बताती हूँ कि डेसिमल क्या है, ठीक है। कोई भी नंबर जो बेस 10 प्लेस के तौर पर लिखा जा सकता है वो डेसिमल है। कैसे, वंस टेंस आपने पढ़ा होगा, जो उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ा होगा इकाई दाई सैकड़ा, जो इंग्लिश मीडियम में जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने पढ़ा होगा वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड। तो ये इसी चीज को कहते हैं कि जो दाई के फॉर्म में लिखा जाए, इकाई दहाई, ठीक है, इकाई दहाई, इसमें जरूर दो नंबर होंगे, चाहे इस तरफ जीरो हो लेकिन इसमें होंगे दो डिजिट, तो वंस ये टेंस बेस 10 के फॉर्म में ये हो गया, तो ये हमेशा बेस 10 के फॉर्म में तो जरूर होगा, उससे ऊपर भी हो सकता है लेकिन बेस 10 के फॉर्म में जरूर हो सकता है। दूसरी बात, ये एक फॉर्म है, एक फॉर्म है फ्रैक्शंस का, ठीक है। सो ये भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि द फॉलोइंग नंबर इज अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, और नीचे आपको ऑप्शन में कहीं पर कोई डेसिमल गिवन हो तो उसका मतलब क्या है, वो फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है। किस तरह से फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है, जैसे कि ये 2/3 है, 2/3, तो किस तरह से होगा ये, सबसे पहले हम जीरो करके पॉइंट लगा देंगे और यहां पे एक जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। ये तो हमारा असूल है कि अगर हम यहां पे जीरो बढ़ाना चाहते हैं तो यहां पे हमने जीरो करके फिर पॉइंट लगाना है। अब 3/6 = 18, ठीक है, अगर उससे ऊपर जाएंगे तो फिर 20 से ऊपर आ जाएगा। कितने हमारे पास बाकी रह गए, 2, इशारिया लगा हुआ है तो हम यहां पर जीरो बढ़ा सकते, अगेन 3/6 = 18, कितने रह गए, 2, यहाँ पे जो डेसिमल है वो लगा हुआ है तो हम यहाँ पे जीरो बढ़ा सकते हैं, अगेन 18 और फिर से 2 रह गए। हम जितना ऐसे करेंगे सेम यही 6 रिपीट होगा, तो ये क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म है। मैंने आपको कहा था ना पी अपॉन क्यू का जो फॉर्म है वो रेशनल नंबर्स में है और जो फ्रैक्शन है वो भी रेशनल नंबर्स में आते हैं, तो ये जो 2/3 है ये फ्रैक्शन फॉर्म है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट हमने कर दिया और ये रिपीटिंग डेसिमल हमारे पास आ गया। ये तो हो गया डेसिमल, ठीक है, डेसिमल इस तरह से भी हो सकता है 0.8, इस तरह से भी हो सकता है, ये अब मैं मिटा देती हूँ, इस तरह से भी हो सकता है कि 0.6666 रिपीट हो रहा है, इस तरह से भी हो सकता है कि 3.1428 कंटिन्यू है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको जब खत्म हो, जब कंटिन्यू नहीं हो तो इसको टर्मिनेटिंग कहते हैं, लेकिन जब 3 डॉट्स लगे तो इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट नहीं है, पहले 1 है, 4 है, 2 है, 8 है, जबकि यहां पे क्या है, रिपीट है, तो इस चीज में डिफरेंट है। अब जो डेसिमल है इसके 3 पार्ट्स है, ये एक नंबर है, इसके 3 पार्ट्स है, इसमें जो 3 है ये ओल्ड नंबर है, ठीक है, इसको कहते हैं ओल्ड पार्ट, ये जो डॉट है इसको कहते हैं डॉट या फिर इसे कहते हैं डेसिमल, ठीक है। ये 8 इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ये वाला जो, इसको कहते हैं, अच्छा ये ओल्ड पार्ट, ये है डेसिमल पार्ट, ठीक है, यानी जो डॉट है, जो डेसिमल है, ठीक है, डेसिमल क्या होता है, एक नुक्ता, एक इस तरह का डॉट है जो दो नंबर्स के बीच में लगा हो, ठीक है, तो फिर उस पूरे नंबर को हम कहते हैं डेसिमल नंबर्स। तो फिर क्या होगा, इसके लेफ्ट साइड पे जो नंबर होगा उसको ओल्ड पार्ट में हम कंसीडर करेंगे और राइट साइड पे जो नंबर होगा उसको डेसिमल पार्ट में हम कंसीडर करेंगे। तो ये तो हो गए इसी एक नंबर के 3 डिफरेंट से। अब इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा डेसिमल रेशनल है और कौन सा इरेशनल, अब मैं आपको ये समझाती हूँ ताकि आपका कोई भी ऑप्शन कभी भी गलत ना हो।
तो जिस तरह से आपने रैशनल इरेशनल को पढ़ा, आपने ये भी सीखा कि जो डेसिमल नंबर्स है वो रैशनल्स में भी आते हैं और इरेशनल्स में भी आते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ डेसिमल्स है जो रैशनल है और कुछ है जो इरेशनल है। अब ये किस तरह से है ये मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिपीटिंग डेसिमल्स, ये हमारे पास रैशनल नंबर्स में आएंगे, जबकि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स में आएंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो डेसिमल्स है जो इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे कि 2.8, 0.1, 3.02, 8.123, ओके। तो इनको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों? क्योंकि ये एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाते हैं, इनको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। फिर है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं? अच्छा, यहां पे भी नॉन टर्मिनेटिंग है, यहां पे भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्या फर्क है? नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग डेसिमल्स, ये हमारे पास क्या होंगे? रैशनल नंबर्स, जबकि यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग मैं आपको समझाती हूं। इसका जो सबसे बेहतरीन जो इरेशनल नंबर्स में है वो है 1.1, फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल है, ठीक है, 1.2, 3, 5 और फिर डॉट डॉट लिखा। या फिर नॉन टर्मिनेटिंग का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है पाई की वैल्यू, जो कि इक्वल है 3.1428 एंड सो ऑन, ठीक है, यानी 3 डॉट्स है। तो इसका मतलब है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? वो जो खत्म नहीं होते। 3 डॉट्स का मतलब है कंटिन्यूअस है, इनफाइनाइट है, खत्म नहीं होने वाला है, जबकि यहां पे 3 पे आके खत्म हो गया। तो इनको कहते हैं टर्मिनेटिंग और इनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये तो हो गया टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब वो कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है जो रैशनल है? अच्छा, और वो कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है जो इरेशनल है? बताती हूं आपको। नॉन टर्मिनेटिंग, अब यहां पे एग्जांपल आपको देती हूं, जो मैं बार बार दे रही हूं, 0.66 नॉन टर्मिनेटिंग है ना, इसके आखिर में क्या है? 3 डॉट्स है। इसके अलावा 3 डॉट्स है इसके अलावा ये हमारे पास एग्जांपल्स है नॉन टर्मिनेटिंग के लेकिन ये रैशनल नंबर्स है। क्यों? इरेशनल नंबर्स डेसिमल्स में क्या होते हैं? हमारे पास इस तरह से होते हैं, ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में। लेकिन रैशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में इस तरह के होते हैं। इस तरह के किस तरह? ये कैसे? ये देखो, यहां पे क्या है? 6 रिपीट हो रहा है, यहां पे 7, 5, 8, 7, 5, 8 रिपीट हो रहा है, जबकि यहां पे कुछ भी रिपीट नहीं होने वाला। तो ये फर्क है। अब रिपीटिंग डेसिमल्स यही है, 0.1, 3, 2, 1, 3, 2 एंड डॉट डॉट रिपीटिंग डेसिमल्स, 0.666 एंड डॉट डॉट, ठीक है, एंड 1.333 डॉट डॉट, इसका मतलब 3 रिपीट हो रहा है। और नॉन रिपीटिंग वो डेसिमल्स हैं जिनमें कोई भी नंबर बार बार नहीं लिखा जाता। फॉर एग्जांपल, 0.1258 नॉन रिपीटिंग है एंड सो ऑन। ओके, 0.1234542 एंड डॉट डॉट। अब यहां पे आपने एक चीज गौर करना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.3 बार, इसके अलावा ऐसे भी लिख सकते हैं 1.3 ऊपर डॉट, इसको हम ऐसे लिखते हैं 0.6 बार या फिर 0.6 डॉट, और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अच्छा, ये कैसे लिखा जाए? 0.132 के ऊपर बार, यानी 1, 2, जो 3, 2 है वो रिपीट हो रहा है, या फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.1
0.132... तो इनका मतलब भी यही है कि रिपीट हो रहा है। हो सकता है आपके पास इस तरह का एक एग्जांपल हो और नीचे लिखा गया हो कि रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्म सॉरी या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो फिर आप क्या करेंगे, आपको लगेगा कि सिक्स के बाद कुछ नहीं है तो टर्मिनेटिंग है। नहीं, अगर ऊपर डॉट है या फिर बार है तो इसका मतलब रिपीटिंग डेसिमल है। अच्छा, यहां पे आप देखेंगे कि ये फोर यहां पे भी है, यहां पे भी है, सेम नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट हो, सिक्स 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 है, 132 है, 132 है, 132 है, तो फोर के बाद आप देखिए फोर फाइव फोर सिक्स है, फाइव नहीं है, फिर टू है, फिर वापस फोर नहीं है, हो भी तो बीच में वो चीज अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं हो रहा, जिस तरह से ये सेम चीज है रिपीट हो रहा है। तो ये हो गए वो डेसिमल्स जो रैशनल नंबर्स है, और ये हो गए वो डेसिमल्स जो इरेशनल नंबर्स है, जो टर्मिनेट नहीं होते। अच्छा, ये जो खत्म होने वाला डेसिमल है ये सब रैशनल है, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग है उनमें जो रिपीट होगा वो रैशनल है, लेकिन जो रिपीट नहीं होगा वो इरेशनल नंबर्स है। तो यहां से मैं उम्मीद करती हूं कि आपको डेसिमल्स, रैशनल नंबर्स और जो इरेशनल नंबर्स है ये समझ आए होंगे। इसके अलावा आपको रियल नंबर्स भी समझ आ गया होगा कि किस तरह से है। यहां पे आप सबको ये भी बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैथ हमें नहीं आता, मैथ मुश्किल है, या मैथ जो है मुश्किल होने के साथ साथ ड्राई भी है, तो मैथ इजी है, इसको आपने कॉन्सेप्ट के साथ लेके चलना है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो गए, आपने इस वीडियो को या फिर देखना है, या फिर अगर आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर चुके तो मैं आपको जो मेरे नोट्स है वो भेजूंगी, वो भी आपने सिर्फ पढ़ना है और एक दफा रिवाइज करके खुद को एक एग्जामिन करना है कि किस तरह से है और किस तरह से नहीं है। तो वो जब आप करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बन गया, अब आपके सामने कभी भी कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्टिव आ जाता है आपका हो जाएगा, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, सही जवाब आप ढूंढ लोगे। एक शर्त है कि आपने जो सवाल है उसको गौर से पढ़ना है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना। जल्दबाजी आप करेंगे तो हो सकता है कि आप पहले गलत जवाब को टिक लगाएंगे और फिर सही जवाब आपको मिल जाएगा और परेशान हो जाएंगे, तो जल्दबाजी नहीं करना है, सवाल को अच्छे से पढ़ना है और कॉन्सेप्ट के साथ चलना है। मैथ में रटा नहीं होता, वहां पे जो ऑप्शंस आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव में जो आप किसी भी बुक में याद करते हो देखते हो वो ऑप्शंस आपको नीचे मिलते हैं और आप सही ऑप्शन को देख रहे होते हो, उसी सवाल को लिखेंगे, उसी का एक और सही ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है, ये भी रिपीटिंग है, ठीक है, ये भी रिपीटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, तो किस तरह से आप पहचानोगे कि क्या है, कैसे है, क्यों है, कॉन्सेप्ट के बेस पे। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करें। इंशाल्लाह आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा काम पसंद है और आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे काम को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए मेरा जैस कैश अकाउंट जो नंबर है वो आपको शो रहा है स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, तो आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए जिस कदर आप के लिए पॉसिबल है सपोर्ट करना आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से चीजों को आपने कवर करना है और आपका एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन मेरे साथ हो। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस तरह के मजीद वीडियोज किन टॉपिक्स पे चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।